गोलघर स्थित गांधी आश्रम में यहां के कर्मचारियों ने चरखा चलाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर गांधी आश्रम के सेक्रेटरी विशेश्वर नाथ तिवारी, व्यवस्थापक अभिमन्यु सिंह सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए आश्रम के सचिव विशेश्वर नाथ तिवारी ने बताया। गांधी जी के नाम पर ही हमारी ये संस्था क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम गोलघर गोरखपुर है, और हम गोरखपुर और महाराजगंज दो जिला में हम खादी का काम करते हैं, जिसमें करीब 2200 स्पिनर वीवर हैं। 2200 स्पिनर वीवर को गांधी आश्रम काम देता है। गांधी जी का मेन उद्देश्य था कि गांव में जो स्पिनर मतलब कत्तिन बुनकर जो गांव में लोग रहते हैं उन्हें काम देना, और उस काम के लिए मतलब ये गांधी जी की प्रेरणा से जेपी कृपलानी जी इसकी स्थापना 1920 में किए, और आज लगभग 100 साल होने जा रहा है गांधी आश्रम की स्थापना, और उससे हमारा काम जो है हम लोग उसी आधार पर ये समाज के बेरोजगार जो गांव में जो कत्तिन बुनकर हैं, जहां पर सरकारी तंत्र पहुंचने में कठिनाई हो सकती है जो भी हो, लेकिन हम लोग हमारे वर्कर्स वहां पहुंच करके चरखा चलवाते हैं, उन्हें जो भी उनकी पारिश्रमिक होती है उन्हें देते हैं, उन्हें कपड़ा देते हैं, और उनका सहयोग हम लोग करते हैं। वैसे बुनकरों का भी जो लोग कारीगर हैं, बुनकर हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, वो खादी का काम करते हैं, और हम चाहेंगे कि खादी एक ऐसा काम है, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि खादी जहाँ पर दूर दराज के लोग जहाँ पर कोई दिया जो है अगर जलता है तो उसमें सहयोग अगर है तो खादी खरीद कर की होती है। तो हम चाहे मतलब देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और हरी क्रांति के साथ साथ जय जवान जय किसान का उन्होंने जो नारा दिया उससे देश जो है खाद्यान्न के समय आत्मनिर्भर बना। उसके पहले जो है हम बाहर से अनाज वगैरह लेते थे, लेकिन आज हम उन्हीं की जो उनकी प्रेरणा रही या जो उनका योगदान रहा या जो भारत के लिए उन्होंने दिया, आज जो है भारत समृद्धशाली देश बना है और हम लोग तुरंत आगे बढ़ रहे हैं।